बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं ना, तो आपके वीडियोस मैं बहुत देखता हूँ, तो वो एक कन्फ्यूजन है, मतलब उसको क्लियर करो, उसके लिए एक वीडियो बनाऊँ, राइट। मैं हाल ही में अभी फ़िलहाल मैं जो भी हैं कंपनीज को कंपनी जो भी स्टार्टअप कंपनीज हैं या फिर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखता हूँ, उसके हिसाब से मेरा प्रोफाइल का कंपनी है तो मैं उनको कोचिंग करता हूँ, ठीक है। और सेकेंड इंडिविजुअल, कोई किसी को ट्रेनर बनना है, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, तो किस तरह से बन सकते हैं और उसमें मेन स्ट्रीम में इनकम कैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर अभी कर रहा हूँ। ये दो ही मेरा चीज़ है, बिकॉज कंपनी का सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। अब आप मान लो मेरा वीडियोस है, मेरा फेसबुक कौन सी, ये सब मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, ये मेरा काम धंधा है, मतलब फेसबुक में टाइम पास नहीं करता हूँ, ये मेरा काम है, राइट। बाकी लोगों के लिए टाइम पास होगा, आप उतना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि मेरा तो काम धंधा है, इसके लिए मैं हूँ। ओके, ये भी कोई कंपनी के लिए क्लाइंट्स ला के देना है, उनकी प्रोडक्ट प्रमोशन करना, ये सब चीज़ भी मैं करता हूँ। इससे पहले था मैं कोहिनूर टेक्निकल में था, दादर में, अपना एक सी एम मनोज जी उनका था, वहाँ पे 90 ब्रांचेस उसके पास है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग हेड था 2 साल के आसपास, दादर में हमारा ब्रांच से फिर बाद में खुला हुआ, जहाँ पे प्रोफेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट में था, जो भी इंजीनियरिंग सिखाते हैं, ऑटोमोबाइल सिखाते हैं, जो भी फैकल्टी है उसके ऊपर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में था। सेकेंड, स्टूडेंट्स का भी लाइफ चेंजिंग कोर्सेस डिज़ाइन करना, उस तरह का चीज़ें मैं करता था वहाँ पे, राइट। ये हो गया उससे पहले प्रोफाइल। सेकेंड, मेरा जो करियर है, मैंने 1993 में जैसे एक सेल्स मैन जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ये मत सोचा कि आप क्या कर रहे हो, तब क्या कर रहे थे, कौन सा उम्र के थे, वो सब मत सोचना, ठीक है। तो वहाँ पे था मैं, जैसे फिर वहाँ से अपना मेरा करियर स्टार्ट हुआ, तो ये कंपनी था ऊटी में, निडल इंडस्ट्रीज करके है, केती केती में है, पोनी करके लोगों, अभी हर गारमेंट कंपनी सिलाई करने वाले को सबको मालूम होगा, पोनी का सुई नंबर वन सुई होता है, वर्ल्ड नंबर वन सर्जिकल, इसमें मैं मेरा करियर स्टार्ट गया था। मैं काफ़ी साल था वहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ सीखने मिला मुझे, तो मेरा ग्रोथ बहुत फास्ट करने का था, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने शिफ्ट किया, पेपर में ऐड देके उसमें जाके ज्वाइन हुआ, मेरा क्वार्टर्स परमानेंट ग्रेजुटी वो सब कुछ था, है ना, PF ऐसा सब छोड़ के आया मैं, इतना रिस्क लेता था तभी, तो लेके फिर मैं चालू किया, सैलरी मिला लेकिन दर्द रोड में घूमते रहने का, राइट, मालूम है ना, कोई फिक्स डीलर वीलर मेरे को ऐसा ऐसा वैसा नहीं था, ज़्यादा था क्योंकि मुझे कुछ करने का था, और ऐसा करें तभी ऑप्शन होगा। मेरे साथ 30-35 लोग ज्वाइन हुए थे, सब लोग भाग गए, तो मैं अकेले, मेरे 4-5 लोग थे वही, फिर मुझे टीम लीडर खुद उन्होंने बना दिया, तब से मैं टीम लीडर था। तभी मैंने रेफको सिफी करके है महालक्ष्मी में, अभी मैन फाइनेंस है, उसमें था मैं, तो वहाँ पे भी करीब 1000 लोगों को मैंने इंटरव्यू दे रहेगा, 30-35 लोग मेरे साथ 2 साल तक काम किए बिना पगार के, आज सब वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट में हैं कोई मारुति में ब्रांच मैनेजर है, कोई बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज में जनरल मैनेजर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, राइट। लोग तो वहाँ पे मेरा करियर वैसे स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत सारे कंपनीज, कार्बी, निर्मल बांग, ऐसे बहुत सारे कंपनीज मैंने ट्रैवल किया। हाँ, मंगल केशव उसमें था मैं 2 साल, कमोडिटी हेड था, नेशनल हेड था कमोडिटीज़ के लिए, तो ऑल ओवर मेरे बॉस थे मिस्टर JP गुप्ता, और ये अभी फ़िलहाल मोदी जी से अवार्ड भी लिए थे बेस्ट एनालिसिस का उनका, राइट। ये सब मेरा करियर था, तभी 2008 में शेयर मार्केट कुछ ये हो गया, राइट। बहुत सारा अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ शेयर मार्केट साथ, फिर तब से मैंने वो मार्केट छोड़ दिया, मैं नहीं हूँ उसमें। उसके बाद फिर ये कैरियर ट्रेनिंग ये सब मैंने चालू किया, करते 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 अभी, पहले भी करता था मैं, बीच बीच में करता था, अभी तो फिर उसके बाद फुल स्विंग हो गया। अभी इसमें मारुति मारुति हीरो, मारुति में मेरे ख्याल से सब मुझे जानते हैं यहाँ पे बॉम्बे में, जितना उतना अग्रेसिवली मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, बट उनका कॉन्टेस्ट वगैरह था उसमें मैं होता था उनको एनालिसिस करने में। सेकेंड, मारुति हीरो, हीरो का लगभग सब ओनर्स और वहाँ के एम्प्लॉय सब मुझे जानते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने हीरो सेल्स पर्सन काउंटली उनको ट्रेनिंग दिया है। फिर जितना भी ज्वेलरी शॉप से, वहाँ मैंने रिपीटेड चिंतामणि, PN कार्डगल, ओम ज्वेलर्स, TBZ,
लगभग यहाँ पे 50-60% एम्प्लॉयज एवरेज मेरा स्टूडेंट्स होंगे, और पर्टिकुलरली दादर में सिद्धिविनायक के बाजू में ना, वहाँ पे चिंतामणि, वहाँ पे मैं कभी वहाँ से जाता ही नहीं हूँ क्योंकि उनको बुरा लगेगा, मैं अंदर नहीं आता उसके लिए। वो एक हो गया। सेकेंड SAS कॉलेज, विद्यालंगर कॉलेज, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैंने, नासिक में कुछ कॉलेजेस है, पुणे में कुछ कॉलेज है, यहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग दिया है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये सब है, बिग बाज़ार, फ्यूचर ग्रुप, और NIT, क्या ये इस तरह का एक कंपनीज में भी मैंने ट्रेनिंग दिया है, ITC ये सब है। तो क्लासिक पुलो जो ये आता है इसमें, सो लगभग कभी तक 30,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, करीब 6,000 लोगों को क्लोजली मैंने ट्रेनिंग देके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइफ में जो चाहते हैं वो उन्होंने किया है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होगा, मैं उनको क्या करना चाहते हैं उसका वीडियो निकालता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, फिर दो साल के बाद वो अचीव करते हैं वो भी वीडियो डालता हूँ। सो दैट इज़ द क्लियर कट प्रिंटआउट, उस तरह का मेरा ट्रेनिंग होता है। ओके, ये है, ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड, सोचा हो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और अभी फ़िलहाल किसी को ट्रेनर बनना है या पर्सनल कोचिंग करना है, कोई हिसाब से आपको आगे नहीं बढ़ रहे, पब्लिक स्पीकिंग, सबके सामने बोलना डर लगता है, उस तरह का स्पीकिंग, और ये आपको बिजनेस रन कर रहे हो, आपको बिजनेस कोच बहुत ज़रूरी है, राइट? मैं नहीं, कोई भी, कोई ना कोई एक कोच ज़रूरत है, तो उसको कैसे, ये सब आपको, ये सब मैं काम करता हूँ। सो एनीथिंग इज़ रिलेटेड टू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट? थैंक यू।